गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स रितिक भार्गव हेयर और आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। बिल्कुल, तो मार्केट आप जैसे देख सकते हैं खुल चुकी है, 9:15 हो चुके हैं। तो आज हम ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमने घनश्यामबली स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है उसके हिसाब से आज हम ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल हमने ये लेवल बनाया, जैसे ही इसको ब्रेक मार्केट इसको ब्रेकअप करेगी ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो हम एक कॉल लेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, 14,000 रुपये हमारे पास फंड्स पे, तो हम ये भी कॉल लेंगे सिर्फ 1,00,000। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अमाउंट जो यूज़ हो रहा है वो अराउंड 600 के अराउंड यूज़ हो रहा है। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें इस पे जाना है जब ये वाला लेवल टूट जाएगा ऊपर की तरफ। तो लेट्स सी, जैसे ये लेवल को तोड़ती है तो हम एक कॉल की तरफ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा तो यहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस थोड़ी सी सेलिंग आई है तो मार्केट वापस नीचे आ गई है बैंक निफ्टी। तो हमारा ध्यान रहेगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को तोड़ती है तो हम यहाँ तक का टारगेट, नीचे की तरफ मुझे उतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि मार्केट हमें कुछ टारगेट देगी, बट हाँ अगर ऊपर की तरफ निकल जाती तो अच्छा, हमारे पास एक मोमेंट मिल जाती। अभी भी कोई पता नहीं होता, क्या पता ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, यहां पे रेड हो चुकी है अभी पूरी। ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम लिखेंगे नो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो ट्रेडिंग जोन। भैया बिल्कुल यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मार रही हमें जब तक कि इस लेवल को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ना ब्रेक कर दे। तो गाइस मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जैसे ही लेवल का ऊपर या नीचे वाली साइड ब्रेकआउट होता है मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जैसे ही ब्रेकआउट या कुछ ट्रेड लेने वाला हूंगा मैं तो मैं आपको नोटिफाई करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल जो पुट वाली साइड का वो लगभग टूटने वाला है, बट लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको और भी चीज़ें देखनी, जैसे बैंक निफ्टी है तो इसके कॉम्पोनेंट्स, HDFC बैंक हो गया, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ ये भी डे का लो तोड़ रहा है। ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है, यहाँ पे इसने पहले डे का हाई तोड़ा अभी नीचे आ रहा है। चलो SBIN क्या कर रहा है देखते हैं, SBIN भी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी जो टोटल मूवमेंट जो बैंक्स ला रहे हैं वो मैक्सिमम HDFC बैंक की वजह से आ रही है, क्योंकि HDFC बैंक ने डे का लो तोड़ा है। हाँ बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कहीं ना कहीं उतनी नहीं है जितनी कि बाइंग साइड पे थी, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा थोड़ा सा, कि मुझे अगर पुट की साइड जाना है तो मैं थोड़ा समझ के कन्फर्मेशन के साथ। अगर ये नीचे तोड़ देता है, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें, देखिए आपको कोई नहीं बताता क्योंकि ऐसी चीज़ों की समझ आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी तरह से ट्रेड करना चाहते हैं ना, अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लेने से पहले ना 20 बार सोचना है। और जो दूसरा रूल है वो ये, एक बार अगर आपने ट्रेड ले ली उसके बाद कोई ओवरथिंकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, छोड़ देना, आपका जो टारगेट है वहां तक इसको जाने देना। देखिए अगर ये यहां से ऐसे जाता है नीचे तोड़ता है ऊपर जाके वापस से नीचे पैटर्न बना के तोड़ता है तो आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि अभी कंफर्मेशन है कहीं ना कहीं कि अब जो है वो नीचे ही जाएगा। बट अगर ये नीचे जाता 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 तो इस पे चलो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर ये नीचे जाता है तो इसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। आपको सबसे पहली बात अपने पैसे को नहीं देना है मार्केट को। अगर आपको अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करना है, मैं ये जो 6,000 रुपये ट्रेड पे लगा रहा हूँ मैं 6,000 सोच के नहीं लगा रहा हूँ, मेरे लिए ये 6,00,000 रुपये हैं, मेरे लिए ये 6,60,00,000 रुपये हैं गाइस। मैं उस हिसाब से ट्रेड करना चाहूँगा, मेरे पास प्रॉपर अभी जर्नल है, आपको अगर आवाज़ आ गई हो मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या ट्रेड है, कहाँ पर मार्केट है, मैं क्यों ट्रेड लूँगा क्यों नहीं लूँगा।
इस तरह से आपको ट्रेड करनी पड़ती है। अगर इस तरह से आप ट्रेड करते हैं ना एक महीना, तो आई विल प्रॉमिस यू गाइज, आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल, आपका जो ट्रेडिंग का, आप ज्यादा मतलब अगर दिन पे आप 10 ट्रेडें लेते हो ना, 10 में से आपकी 9 ट्रेडें तो होंगी नहीं मेरे हिसाब से, 9 छोड़ो चलो 8 नहीं होंगी, 2 ट्रेडें आप लॉजिकल होती हैं, बाकी जो हम लेते हैं वो सिर्फ गुस्से पे आके या कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करके ले लेते हैं। तो इस वजह से ये मैं लेक्चर इतना बड़ा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये मैंने गलतियाँ की हुई हैं, हम सब ने ये गलतियाँ की हैं, तो हमें इन गलतियों से बचना है। तो इसलिए अभी हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। ओके लेट्स सी। अगर ये यहां पर हैमर बना देता है गाइस, अगर ये यहां पे इस तरह का बना देता है, तो मैं यहां पर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो सकता हूं। अगर ये अगली कैंडल, हाँ कॉल, अभी ये हैमर बन गया, अभी अगर ये यहां पर किसी तरह से चले जाए ना गाइस, तो आप सोच भी नहीं सकते हमारे लिए कितनी अच्छी एक कॉल की अपॉर्चुनिटी बन गई है। हाँ बट अगर हम रिस्की ट्रेडर होते तो हम यहाँ पर एक कॉल का रिस्क ले सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ का रख के देख सकते हैं। आप, आपको लगा के बता देता हूँ, यहाँ पर हमें ट्रेड लेनी थी, यहाँ का हमें स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट हमें 1:5 रख के ले लेना है। यहाँ तक देख सकते हैं स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे 100 पॉइंट का, यानी कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 155-156 के आसपास, मान लेते हैं ये 160 पे हमारी बाइंग है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है 130 का, यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट 40 या 45 पॉइंट का प्रॉफिट, तो यानी कि 205 या 200 का जो हमारा रहता टारगेट रहता प्रॉफिट का। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे जल्दी जल्दी पे पुट ली होगी वो तो फंस गए ना, उनकी तो बच गई बैंड, उनकी बच गई पुंगी, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे ले लेते पुट, क्योंकि नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ले लो ले लो ले लो। देखो गाइस ये सेम मिस्टेक्स हम रोज़ करते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं ना उनकी यही ट्रेड्स की वजह से वो पैसा गंवाते हैं। आपको बैंक निफ्टी तो देखना ही है, ये चीज़ मैंने घनश्याम सर से सीखी, इसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, मैं जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको ज़रूर देखता हूँ कि कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, जो ये तीनों बैंक अगर सही दिशा पे चल रहे हैं ना, तीनों एक साइड जा रहे, तो मैं पुट की तरफ मतलब बैठा रहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। बट अभी यह देख रहे थे HDFC बैंक तो जा रहा था, बट ICICI और SBI जो थे ऊपर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि अगर पैटर्न बना के जाएगी तो मैं लूंगा, क्योंकि ऐसे फ़ायदा नहीं लेने का अगर हमारे साथ पे चीज़ है ही नहीं, हमारे साथ पे तीनों के तीनों बैंक है नहीं जिनकी वजह से बैंक निफ्टी चल रहा है, तो मैं क्यों अपना पैसा रिस्क पे लगाऊं। तो इसलिए अभी हम देखेंगे जैसे ही ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा, अभी आपको दिखा देता हूं वो जो वाली पुट थी 174 पहुंच चुकी है, तो यही सीन रहता है गाइस। मतलब यहाँ पर अगर आपका टारगेट नहीं छूता तो आपको नहीं निकलना जब तक कि आपका टारगेट हिट नहीं करता। अगर आपका टारगेट हिट करता है नन गुड, अगर नहीं करता आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दीजिए, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस दे दीजिए सिंपल, या फिर ट्रेल करते रहिए। अभी जैसे यहाँ तक चले गए तो आप थोड़ा सा ऊपर ट्रेल कर दीजिए, अभी इस कैंडल का लो तोड़ देगा, यानी कि जो हमारा बाइंग थी 160 की थी मान लेते हैं, तो 155 या 150 मान लीजिए, 150 तक अगर आ जाता है तो मैं निकल जाऊँगा। 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया अभी आपका, और प्रॉफिट आप कितना ले रहे हैं, 30-35-40 पॉइंट का प्रॉफिट आप ले रहे। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है आपको। मैं अभी आप हम जैसे ही को ट्रेड लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, आपको ट्रेलिंग कैसे करनी है, आपको बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाना है। हालांकि हमारे पास छोटी क्वांटिटी है, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता रहूँगा बीच पे कि अगर इसकी जगह हमने मान लेते हैं 10 लाख का अकाउंट होता तो हमने सिर्फ 2 लाख रुपये यूज़ किए होते, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होता, ताकि आपको एक, क्योंकि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, आपको ये देखना कि मेरा प्रोसेस कैसा है, मैंने जो ट्रेड की उसका मुझे रिजल्ट क्या मिला, क्या मेरा साइकोलॉजिकली मैंने सही जगह पर ट्रेड ली थी, क्या मैंने अपनी ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज किया, क्या मैं रुका रहा या निकल गया, ये सब चीज़ें देखनी होती है। आप सिर्फ वो देखते हो नीला चल रहा है, हरा चल रहा है, रेड चल रहा है, वैसे नहीं ट्रेड होती गाइस। मैंने कोई ट्रेडर नहीं देखा प्रोफेशनल ट्रेडर जो ऐसे करता हो, तो आप करोगे तो ऑफकोर्स आपने भी पैसा उड़ाना ही है, सिंपल सी बात है। बट अभी हमारा पूरा जो फोकस है वो चार्ट करेगा, तो लेट्स सी क्या होता है।
तो गाइस देखिए, मैं को भगवान तो हूँ नहीं आपको मैं प्राइस बता देता हूँ उसी कॉल का, 272। और ये हमने कब दी थी, 160 पे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने वही बात, मैं फिर से रिमाइंड करवाता रहे तो बार बार, मैं ये नहीं चाहता कि आप सब सोचो कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने बोला था आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बार आया ऊपर निकल गया, दूसरी बार आया ऊपर निकलने के चांस तो थे, बट जब ये वाली कैंडल बनी ना, इस कैंडल को ही हम मान्यता देते ज़्यादा, तो इसके बाद जो ऊपर जाने के, मैंने यहीं पे दिया था, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी थी, मैंने बोला था यहाँ का स्टॉप लॉस रोको ऊपर ऊपर। अभी भी यहाँ पर जो बंदा ट्रेल करते 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 जा रहा, जा सकता था या जा सके, उसका भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। आप देख सकते हैं पूरी पूरी 120 110 पॉइंट की मूवमेंट थी, इजी मूवमेंट, कोई दिमाग नहीं लगाना था इस पे ज़्यादा, सिंपल। बट यही पे हम गलती खा जाते हैं। अब मैं वहाँ पे देख के खुश हो जाऊँ कि ओ हो, या दुखी हो जाऊँ कि मैंने ली नहीं यार, मैंने बताई थी इनको मैंने नहीं ली, मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को पता है अगर 10 में से 7 बार ये जा रही है तो जाए, 3 बार नहीं भी जाएगी, बट मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से मेरे को ये ट्रेड नहीं लेनी थी और मैंने नहीं ली। अभी हम वेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसे ही ये टूटेगा ऊपर का लेवल, या वैसे डे का हाई टूट चुका है, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होके या थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर की तरफ तोड़ती है ना गाइस, तो मज़ा आ जाएगा। आज कॉल की साइड पे हम बैठ भी सकते हैं, ओके, बट उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक बार। चलो अब हम वॉल्यूम देख लेते हैं कि कॉल की साइड पे वॉल्यूम आ भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 मिनट के चार्ट पे देखिए 57 और 103 के, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंफर्मेशन अभी हो गई है। तो गाइज आप फ्यूचर का चार्ट अगर देखेंगे ना, तो फ्यूचर के चार्ट पे जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ चुकी है, बट कहीं ना कहीं उसके कॉन्ट्रास्ट पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग की तरफ भी वॉल्यूम आ चुकी है, 110,000 के करीब वॉल्यूम आई है। तो अभी हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे क्योंकि हमें अभी खुश नहीं होना, जैसे ही अगर इसका हाई तोड़ दिया तो हम कॉल की तरफ चले जाएंगे। मैं रीज़न बताऊंगा आपको कि हम ये वाला चार्ट क्यों देख रहे हैं, 3 मिनट के चार्ट पे वॉल्यूम क्यों देख रहे हैं, और यहाँ पर क्यों हम जल्दी ट्रेड इंटर कर जाएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। अगर ये इसका हाई तोड़ देता है ना इस कैंडल का, तो हम कॉल की तरफ चले जाएंगे। कॉल यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी जो हमारी अमाउंट यूज होगी वो होगी अराउंड 7,000 के, यानी कि हम 50% अपनी कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, और अभी करना बनता भी है क्योंकि यहाँ अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट एक आ सकती है। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइज मैं कॉल लेने लगा हूँ, ये लीजिए हमने कॉल ले लिया। अभी हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा देंगे 265 का, 265 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर SL कर देना हमें 264, ओके। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 264 का, और ये जो हमें मिली है ये हमें मिली है 290 पे, देख सकते हैं आप।
जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी हम जो अपना SLM है ना, उसको ट्रेल करेंगे। देखिए यही स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाना चाहता था। अभी हम अपनी जो इसको है प्राइस को वो रेट के आसपास लेंगे, 290 और 290। ओके, अभी देखिए इस ट्रेड पे हमारा कोई भी लॉस नहीं है। अगर ये लॉस होता है तो हमारा जो कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा, हमारा लॉस सिर्फ 40 रुपये 60 रुपये है। अभी हम इसको जाने देंगे, रन होने देंगे। अभी जैसे ही ये 340 पार करेगा ना, हम अपना स्टॉप लॉस 320 कर देंगे। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो 340 जैसे ही पार करेगा, हम 320 इसका स्टॉप लॉस रख देंगे और प्रॉफिट को ट्रेल करते जाएंगे। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। अभी ये देख सकते हैं हम 12-13% का प्रॉफिट ले रहे। जैसे ही अगर 14-15% के पास जाता है, हम अपनी क्वांटिटी जो है वो देखेंगे, बुक कर लेंगे या कुछ भी करेंगे, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। बट अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना, अभी हमें बस वेट करना है, देखते रहना है इसको। सबसे बड़ी बात, इस ट्रेड पे अब हमारा लॉस कोई भी नहीं है। ओके, जैसे ये 340 जाता ना, तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी। आपको बस ऐसे करते जाना गाइस, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इधर, सिंपल बस ट्रेल करते जाओ। अब जैसे ये 360 जाएगा, मैं 340 पे लगा दूंगा। ओके, मैं प्रॉफिट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो स्टॉप लॉस भी देखना है ट्रेल करने के लिए। या चलिए इसको रहने देते। अभी हम रूल रखते हैं कि जैसे ही इस किसी भी ग्रीन कैंडल का लो टूटेगा, जैसे यहाँ से नीचे गया तो हम निकल जाएंगे, सिंपल। ओके गाइज, हमारी ट्रेड जो है वो एग्जिट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, अब भी मार्केट जाए आसमान पे, मार्केट जाती है जहां पर मर्जी जाए, हमें कुछ भी नहीं लेना देना। अभी देखिए हमने जितना करना था कर लिया, अभी हमें कुछ नहीं करना। ओके, ये स्टेप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिटेल ट्रेडर की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है ना, अभी वो यहां पे उंगली करेगा। मैंने रूल क्या आपको समझाया था पिछली वीडियो पे, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी गाइस वो प्लीज, मैं ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखो जिस पे हमने ये घनश्याम सर का चैलेंज लिया है दिन पे एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलने वाला। तो वो वीडियो सबके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वो वीडियो जरूर देखिए। और दूसरी बात, ये जो हमने अभी सब कुछ फॉलो किया ना, ये बस उनकी स्ट्रेटजी से फॉलो किया, जो भी ये हमने सब कुछ आप देख रहे हैं, ये हमने घनश्याम सर की स्ट्रेटजी लगाई है इस चीज़ पे और उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये 351-354 कितना हो गया, बट हमें कुछ नहीं लेना देना गाइज। हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, हिट हो गया, बस हमारे लिए गेम ओवर। अब हमारी तरफ से ये 300 जाए 400 जाए लाख जाए करोड़ जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अभी देखिए अभी हम ट्रेड जो है वो बंद करने लगे, मैं वीडियो को एडिट करने बैठने लगा हूँ और टाइम अभी हुआ है 10:23। ओके, तो ये वीडियो मैं आपको 3 बजे तक मैं आपको बता दूंगा कि मेरा प्रॉफिट यही है, मैं उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेने लगा। और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर देता हूँ, नीचे आप फॉलो कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे भी। ओके, और बता दीजिए मुझे कि ये चैलेंज आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो ही फ़ायदा है इसको कंटिन्यू रखने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, तो फिर ऑफकोर्स क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ को फॉलो करने का। तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नए कल हम नई वीडियो बनाएंगे, ऑफकोर्स कल के दिन भी हमें ट्रेड करना है, तो कल मिलेंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।